आंसुओं से भर गया ऋषभ पंत का गला, मुंह से नहीं निकल रही थी आवाज। हार कर भी पंत ने जीता सबका दिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आंसुओं से भर गया था ऋषभ पंत का गला, मुंह से नहीं निकल रही थी आवाज। दोस्तों क्या है पूरी खबर, क्या हुआ वाक्य, पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो पर मात्र 200 लाइक का टारगेट रखा गया है, जिसे आप सब पूरा कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए इस वीडियो की ओर। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शारजहां के मैदान पर रोमांचक मुकाबला खेला गया। राहुल त्रिपाठी ने जब केकेआर को लास्ट दो गेंदों पर 6 रन की दरकार थी, तब छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। इस हार के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को काफी ज्यादा भावुक देखा गया। मैच के बाद बातचीत के दौरान ऋषभ पंत ने कहा, हम अंत तक खुद पर विश्वास रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिर तक खेल में बने रहें। इस मैच में गेंदबाजों ने हमारी शानदार वापसी कराई थी। इतना कहते ही पंत लंबी सांस लेते हैं और एक पल के लिए उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता। इसके बाद उनसे अन्य सवाल भी पूछे जाते हैं, जिस पर पंत कहते हैं, केकेआर ने अच्छी गेंदबाजी की, हम खेल के बीच में फंस गए थे और बल्लेबाजी के दौरान स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके थे। इस दौरान पंत काफी ज्यादा भावुक होते हैं और उनको देखकर लगता है कि वो खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि अगला सवाल पूछने से ठीक पहले कमेंटेटर उनसे कहते हैं, मुझे माफ करना आपको इतनी देर खड़ा रखने के लिए। बता दें कि केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। केकेआर की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने सर्वाधिक 55 रनों की पारी खेली। टॉस हारकर पहले खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 135 बनाए थे। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की हार पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।